नागरिकता संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद भवन में लंबी चर्चा के बाद केंद्र कैबिनेट बिल को हरी झंडी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बिल को इसी हफ्ते सदन में पेश कर सकती है। हालांकि इसके पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष के साथ ही जो बीजेपी के समर्थक दल हैं वो कहीं ना कहीं इस पर विरोध जता रहे हैं। तो एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित राज्य भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल पास होता है तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता लेना आसान हो जाएगा। बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक मूल नागरिकता अधिनियम 1956 में संशोधन का प्रस्ताव है। इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को बगैर वैध दस्तावेजों के भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा और इसके लिए भारत में रहने की अवधि भी 11 साल से घटकर 6 साल कर दी जाएगी। बता दें कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का भी काफी विरोध हुआ था। तो ऐसे में इस विरोध को लेकर विपक्षी दलों का यही कहना है कि जो असम में 1985 के दौरान उल्लंघन हुआ था वही स्थिति दोबारा बनती हुई दिख रही है। मैं उसके खिलाफ हूँ पर्सनली। मैं तो पार्टी के लिए तो पार्टी ऑफिशियली बोली, मैं सोचता हूँ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है क्योंकि हमारा स्वतंत्र संघर्ष में, स्वतंत्र आंदोलन में यही बड़ा प्रश्न था। कुछ लोग कहते थे कि मजहब के बुनियाद में एक देश साबित होता है, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। वो लोग पाकिस्तान को बना दिए और हमारे जो नेता थे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा नहीं कि इस देश सबके लिए है और आपका मजहब, आपकी जाति, आपका रंग, आपकी भाषा, ये सब कोई मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है।